हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लासिक्स का चैप्टर 4 एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। तो कल्पना चावला कहाँ जन्म लिया था उन्होंने और उनको एक इंडियन अमेरिकन वुमेन क्यों कहा जाता है? आंसर है, कल्पना चावला ने कहाँ बॉर्न लिया था? करनाल हरियाणा में। शी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट मैरिड विद एन अमेरिकन एंड बिकम अ न्यूट्रलाइज सिटीजन। उन्होंने जन्म तो इंडिया में लिया था पर उन्होंने शादी एक अमेरिकन के साथ की थी और इस तरह वो न्यूट्रलाइज सिटीजन बन गई थी वहाँ की। दैट्स वाई शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। इस वजह से उनको एक इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस, हु डिड शी मैरी। तो कब और क्यों जो कल्पना चावला है वो यूएस गई थी और किसके साथ उन्होंने शादी की थी? आंसर है, आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिक्स शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट फॉर अ मास्टर डिग्री। जब उन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली थी एरोनॉटिक में तो उन्होंने मास्टर डिग्री के लिए वो यूएस चली गई थी। देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरी हैरिसन। वहाँ पे उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्शन जैन पेरी हैरिसन से शादी की थी। क्वेश्चन 3, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी थी, उन्होंने कैसे क्या आइडिया दिया था एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? तो उन्होंने कहा था कल्पना चावला, व्हाट गेव हर द आइडिया, किसने उनको आइडिया दिया था एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? तो कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिफोर शी वेंट टू द यूएस। तो कल्पना चावला ने पहले ही क्या किया था, बैचलर डिग्री कंप्लीट किया था अपने एरोनॉटिक्स में, उसके बाद वो यूएस गई थी। शी अर्न अर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और उसके बाद उन्होंने अपने पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की थी। इन 1994 में वो सिलेक्टेड हुई थी नासा के द्वारा फॉर ट्रेनिंग एज अ एस्ट्रोनॉट। तो नासा ने उनको सेलेक्ट किया था ट्रेनिंग करने के लिए एक एस्ट्रोनॉट के रूप से। शी वॉज इंकरेज बाय द पीपल अराउंड हर, और वो उनको उनके आसपास के लोगों ने ही इंकरेज किया था ये सब करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एबिलिटी मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोनॉट के पास कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बी एन एस्ट्रोनॉट। जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत सारे एबिलिटी होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट में। एस्ट्रोनॉट को क्या चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए बायोलॉजी की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। शी या फिर ही मस्ट हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट, उनके पास साइंस सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट के लिए। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का फर्स्ट मिशन हमें डिस्क्राइब करना है, उनके स्पेस का फर्स्ट मिशन। ये पैरा 5 में आपको मिलेगा, 5 में। आंसर, कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज इन द स्पेस शटल कोलंबिया। तो कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो कहाँ से था, कोलंबिया स्पेस शटल से। इट वॉज वे 15 डेज के लिए, 16 आवर और 30 मिनट के लिए था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस दौरान उन्होंने क्या किया, पूरे अर्थ का चक्कर लगाया था 252 टाइम्स। और ट्रैवलिंग कितना किया था उन्होंने, 10.45 मिलियन किलोमीटर तक उन्होंने ट्रैवल किया था। द क्रू इंक्लूडेड अ जैपनीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और जिस वो क्रू थे में थे, जिस वो वैमानिक दल में थी, वो वहाँ पे कौन कौन से थे, जैपनीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये आ गया है 6, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम, डू यू एग्री विथ हर एंड हर डैट सक्सेस इज पॉसिबल। कल्पना चावला के क्या व्यू थे ड्रीम परस्यू करने के लिए, ड्रीम का लक्ष्य रखने के लिए, और क्या आप उनके इस विचार से, क्या डू यू एग्री विथ हर, क्या आप उनसे एग्री करते हैं कि सक्सेस पॉसिबल है? आंसर है, कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन टच द स्काई। कल्पना चावला एक गर्ल थी, स्मॉल टाउन से बिलोंग करती थी, कर्नल हरियाणा से। उन्होंने क्या किया, टच किया स्काई। इन हर मैसेज टू द कॉलेज स्टूडेंट ऑफ चंडीगढ़ फ्रॉम स्पेस शी सैड दैट इट वॉज ऑलवेज पॉसिबल टू रियलाइज वन ड्रीम। उन्होंने कहा, उनका जो मैसेज था कॉलेज स्टूडेंट्स चंडीगढ़ के स्पेस थे, वो ये उनका कहना था किसी के लिए भी ये पॉसिबल है कि वो अपने ड्रीम को क्या करे, फुलफिल कर सके।
उसको कंप्लीट कर सके। वन कुड सर्टेनली गेट सक्सेस प्रोवाइड वन हैड द विजन एंड द करेज। कोई भी इंसान निश्चित तौर पे सक्सेस पा सकता है अगर उसका जो निश्चय वो दृढ़ हो, विश्वास उसका संकल्प दृढ़ हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है और ये हमारा आ गया है बी। इसका पार्ट बी में हमें फिलअप करना था। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द कोलंबिया एल फैटेड वॉलेज। अभी इसे जो कंप्लीट करना है हमें, डेट ऑफ स्पेस ऑफ लिफ्ट ऑफ कब सी डेट थी, 16 जनवरी 2003 है। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट कौन थे बोर्ड पे, ये 7 थे। नंबर ऑफ डेज कितना था जहाँ ये स्पेस में रहे थे, ये अबाउट 16 डेज थे। और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन किए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा, ये था 80 एक्सपेरिमेंट किया गया था। डेट कब थी जर्नी की वापस आने की, वो थी 1 फरवरी 2003। हाइट क्या थी एट विच ही लॉस्ट कॉन्टैक्ट, कौन सी हाइट थी जहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट लॉस्ट कर दिया था, वो 2 लाख फीट थी। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। इसके वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।